हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं दो ऐसे मेहमान जिन्हें आपने अब तक देखा है बिल्कुल अलग अंदाज में, लेकिन अब ये दोनों ये जोड़ी जो है रियल लाइफ की अब एक आवाज़ से कुछ कहानी कहने वाली है। मेरे साथ है अली फजल और ऋचा चड्ढा, तो दोनों एक साथ मिलकर अब आ रहे हैं, लेकिन इस बार फुकरे गिरी के लिए नहीं, कुछ और के लिए। तो ऋचा एंड अली, वेलकम टू माई शो। ऋचा, कैसी हो आप? नैनीताल के बाद नाउ हाउस मुंबई टिक यू? लास्ट टाइम मेट यू इन नैनीताल। जी बिल्कुल, नैनीताल में मिले लास्ट टाइम। वेरी गुड, वो नैनीताल वाला शो भी आ रहा है, प्लस पॉडकास्ट, सो वी हैव बीन क्वाइट बिजी। बहुत अच्छा लग रहा है अली के साथ नैनीताल काम करके। आई होप दिस इज द फर्स्ट ऑफ मेनी। उनके साथ काम करना मुश्किल है बिकॉज ही इज वेरी सिलेक्टेड, तो कुछ खास लिखना पड़ेगा। अली क्या कह रही है? ऋचा, आपके साथ काम करना मुश्किल है भाई, ये क्या बात हुई? He is selective, बहुत नहीं नहीं हम लोग दोनों आई थिंक हैं, ये अपने बारे में नहीं कह रही हैं, वो तो फर्स्ट वेरी सिलेक्टिव अबाउट जो काम हम करते हैं। काफी काफी स्क्रिप्टें आई हैं पिछले कुछ सालों में हमारे पास, लेकिन कुछ बैठा नहीं, तार नहीं बैठे उसके। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज थी जिसमें आवाज का खेल था और उसमें वो भी ऋचा के साथ, तो आवाज से तो वाकिफ हूँ, लेकिन ये उसमें कैरेक्टर बदलना और जिस तरह ऋचा ने अपना कैरेक्टर किरदार प्ले किया है, बहुत मजा आया। और उसको फिर डिस्कवर किया, काफी चीजें डिस्कवर की हम लोगों ने, क्योंकि इसमें एक बड़ा एक ग्राफ बड़ा अच्छा बना हमारी पिच का, क्योंकि हम अलग अलग पिचेस यूज कर रहे हैं, अलग अलग वॉइस मॉड्यूलेशंस और डिस्टेंसेस, और मतलब एक पूरा चित्र आपके लिए हमने उसमें सिर्फ आवाजों से बनाया है। और ये पॉडकास्ट कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं है, मतलब ये रेडियो तो हम पहले जमाने में रेडियो होता था, रेडियो प्लेज हो चुके हैं जो ड्रामेटाइज्ड वर्जन्स होते थे। ये एक पॉडकास्ट होता है, दैट्स द न्यू वे ऑफ लिसनिंग टू थिंग्स। लेकिन उसकी बस खासियत ये है कि जो ऑडियंस है और जो आप हैं, आपके दिमाग में ये आपका दिमाग खुद काम करेगा और खुद इमेजिन करेगा, और उसको थोड़ा सा एड हम करेंगे अपनी आवाज़ों से। ऑफ कोर्स स्टोरी इज वेरी वेरी थोड़ी अतरंगी सी है, 2062 और फ्यूचरिस्टिक है, साईफाई है, काफी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमने डिस्कवर की एक दूसरे के साथ। ऋचा, स्पॉटिफाई इंटरनेशनली लोगों ने बहुत एक ह्यूज ब्रांड है, इंडिया में धीरे धीरे और ब्रांड्स आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको आवाज़ की जो ये दुनिया कितनी रंगीन है और कितना मज़ा आया आवाज़ से? हमेशा आप तो एक्टर हैं, हमेशा अपनी भावभंगिमा चेहरे से अभिनय करते हैं, लेकिन आवाज़ से अभिनय करना क्या कुछ अलग था? मैं ये कह रही हूँ कि जब हम थिएटर करते हैं तो हमें एक्चुअली ये चीज़ें बोली जाती हैं कि आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं, आपकी आवाज़ और आपका शरीर, जिसमें आपका चेहरा सब कुछ भाव भंगिमा जो आप कह रहे हैं वो इंक्लूडेड होता है। तो आवाज से एक्टिंग करना मुझे तो लगता है इंडिया में बहुत पुराना ट्रेडिशन है। ये वो देश है जहाँ बहुत सारे लोग अभी भी रेडियो सुनते हैं, और पहले रेडियो प्लेज होते थे। बहुत सारे हमारे अभी के थिएटर के दोस्त भी आई थिंक लंदन वगैरह जाके काफी सारे रेडियो प्लेज रिकॉर्ड करते हैं। तो मुझे और अली को इस कंटेंट में ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी था क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस का बहुत स्कोप है। जब आप सुनेंगे वो पॉडकास्ट, जब आप सुनेंगे तो आपको काफी एडिक्टिव है। मतलब मुझे तो लगता है हमारा काम इतना ही है कि लोग पहला एपिसोड सुन लें, क्योंकि जब एक बार पहला एपिसोड सुन लेंगे उसके बाद दे विल ऑटोमेटिकली गेट वॉन्ट टू फॉलो द स्टोरी, जो कि मतलब मजेदार है बहुत। तो आई होप हमें और करने को मिले, क्योंकि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि सिर्फ आवाज के खेल से आप कुछ नया क्रिएट कर सकें। तो अली, ये बताएं कि कुछ मजेदार हुआ हो, कभी पॉज, कोई फंबल जो होता है, हम लोग भी वॉइस ओवर करते हैं जब, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कभी कुछ वर्ड एक होता है वो उसको बार बार बोलना मुश्किल हो जाता है। क्वर्की क्या, हम लोग एक स्टूडियो में बैठे हुए थे और मुझे याद है हम लोग हेडफोन्स लगा के एक दूसरे की आवाजें, इतनी क्लियर आवाज आती है उसमें, और मंत्रा मुग्ध हमारे जो प्रोड्यूसर हैं एंड आई कैन से ही डायरेक्टेड अस थ्रू द होल प्रोसेस, तो साथ में मंत्रा वाज आल्सो सिटिंग विद अस, हमारे साथ बैठे हुए थे। लेकिन जिस तरह मतलब माइक
इतना दूर है, आप कभी किसी को विस्पर कर रहे हैं तो उसमें भी यू नो एक उसकी क्लैरिटी इतनी तेज होती है. तो हाँ, कभी कभी बैठा होता था और बीच बीच में रिचा की हंसी या उनका थोड़ा सा यू नो थोड़े से एक्सप्रेशन मुझे सुनाई दे जाते थे. तो मैं उससे कह रहा था कि इन दो दिनों में मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा क्लियर सुना है अपनी अपनी पूरी पूरी लाइफ में. लेकिन मजा आया. ऐसा कुछ एनेक्डोट मुझे याद नहीं है, बस ये था कि कुछ शब्दों को हमें अलग तरीकों से बयान करना पड़ा और करना सीखा, क्योंकि ऑडियंस जो है वो सिर्फ हमें सुन रही है, एक एक उसका सेंस सिर्फ एक यूज हो रहा है. तो उसके लिए कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पहले मुझे लगा यार बहुत फिल्मी है, यू नो मैं थोड़ा शायद एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, लेकिन फिर एहसास हुआ कि हमारी बॉडी नहीं दिख रही है, ना हमारा एक्सप्रेशन दिख रहा है, सिर्फ आवाज जा रही है. और उस आवाज से हमें 2062 क्रिएट करना है, उससे पहले सारे साल 2022, 21, 20, 19 सब. तो इंटरेस्टिंग था यार, मैं तो खुद ही बल्कि उसको हम लोग फॉलो कर रहे थे और उसमें घुस गए थे. बट मैं जानना चाहूंगा ऑडियंस क्या सोचती है. इट इज एन एक्सपेरिमेंट आई थिंक दैट वी आर ट्राइंग टू पुल ऑफ. रिचा, जब आप अभिनेत्री होती हैं आप एक्सेंट लेती हैं, जैसे बोली पंजाबन में आपका अलग एक्सेंट था, जब आप चीफ मिनिस्टर बनी अलग एक्सेंट था, जब आप शकीला बनी. तो जब एक एक्टर ऐसे पानी की तरह होता है, आवाज़ें भी बदलती हैं, लुक्स बदलते हैं मेकअप के, लेकिन आवाज़ जो एक्सेंट आप लेके आती हैं हर आपकी फिल्म के, जो मैंने नाम लिए इनफैक्ट, और अली ऑल्सो हर उसमें बदल जाता है जब वो मुन्ना भैया बनते हैं तो अलग. तो आवाज़ को खेलना से खेलना एक एक्टर के लिए कैसे, हाउ डू यू गेट इनटू इट, रिसर्च करते हैं एक्सेंट शब्द फा फू वा कू, ये होता है जो हमारे एक तरीका होता है जैसे हर एक लहजा जो होता है, कैसे पकड़ते हैं आप एज एन एक्टर? आई थिंक मुझे बहुत इंटरेस्ट है लहजा पकड़ने में, और मुझे लगता है कि अच्छे एक्टर की एक निशानी होनी चाहिए. बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैं मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि मतलब वो बंगाली में इंग्लिश बोल रहे हैं या मराठी में हिंदी बोल रहे हैं, मतलब वो कहीं भी उनको प्लेस कर दिया जाए उनका नेटिव एक्सेंट इतना स्ट्रांग होता है कि वो कहीं जाते हैं. मिथुन चक्रवर्ती को देख लीजिए, आज भी वो बंगाली में हिंदी बोलते हैं लेकिन फिर भी चल रहे हैं. चलिए ये आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते. नहीं, आज कहाँ चल रहे हैं आपको, मतलब जब थे मतलब चल रहे हैं. हाँ, धर्मेंद्र पंजाबी एक्सेंट के साथ रूल किया उन्होंने. आई मीन बिल्कुल बिल्कुल. तो बात ये है कि मैं आई थिंक शुरू से गैंग्स में बिहारी एक्सेंट था, फिर रामलीला में गुजराती टाइप का एक्सेंट था, भोली पंजाबन वगैरह, तो ऑफकोर्स दिल्ली और वेस्टर्न यूपी मैडम चीफ मिनिस्टर. मुझे लगता है ये ज़रूरी होता है, थोड़ा सा इस जगह को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए भी ज़रूरी होता है. और इसमें हमें एक्सेंट वगैरह एक्चुअली कुछ बिल्कुल न्यूट्रल रखना था, क्योंकि एक ऑडियो प्ले है, इसमें विजुअली मतलब प्ले के ऑलमोस्ट अंत तक मैं इनको सिर्फ केस नंबर 63 बुलाती हूँ. तो फिर कोई वो ज़रूरी नहीं था कि कोई कॉन्टेक्स्ट दें, किस जगह से हैं, किस प्रांत से हैं, कैसी भाषा है, वो ज़रूरी नहीं था. बट अच्छे एक्टर की पहचान वही होती, मतलब अली की खूबी आप देखिए ना, वो गुड्डू भैया बनते हैं जब यूपी से, तो एक तरह की भाषा बोलते हैं, फिर वो ब्रिटिश फिल्म करके आते हैं. इनकी अगली फिल्म का मैंने एक दो सीन्स में देख पाई थी, क्योंकि मैं गई थी लंदन शूटिंग देखने, और मतलब कमाल किया है उसमें तुमने यार. मतलब जब भी आएगी लोग भी देख पाएंगे क्या वर्सेटैलिटी है. फैन तो तुम्हारा ही हो ना, कमाल तो हो सकता. नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस दफा जब हम लोग काम कर रहे थे, रिचा की मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी है, तो वो जिस तरह उसने वो एक कैरेक्टर ग्राफ पकड़ा, उसको बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट साइकियाट्रिस्ट का किरदार, और जिस तरह ये एक आदमी आता है कहता है फ्यूचर से हूँ, किस तरह आपका कॉन्फिडेंस फिर वो ब्रेक होता चला जाता है, वो मेजर्ड बिल्कुल एंड तक. आप देखेंगे किस तरह रिचा ने ये किया है. आई मीन आई वाज फ्लॉर्ड उस वक्त, मैं सामने ये कह नहीं पाता हूँ, जूम कॉल के पीछे छुप के मैं बोल देता हूँ, ये तारीफ थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, लेकिन लिख दो तुम चिट्ठी लिख दो क्या, तो मैं जिंदगी भर लिखने को तैयार हूँ. सिहाई कायम रहे, बस भी एनीवे ठीक. तो हाँ जी जी
तो हमें और दर्शकों को इंतजार रहेगा कि आपकी ये जोड़ी कैसी लगती है आवाज में जो बनके जो ये किरदार है स्पॉटिफाई पे जी। वायरस 2062 आ रहा है, प्लीज गाइस सुने। रिचा और अली को आपने देखा है पर्दे पर, और जाते जाते गुड न्यूज कब आ रही है, शादी की मिठाई कब खिला रहे हो दोनों मुझे? आप एक काम करिए अमित, आप ऐसे ही खा लीजिए मिठाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोरोना हमारी शादी होने देगा। हम भेजेंगे मिठाई। हम कोई प्लान बनाते हैं, पहले तो चलो फर्स्ट वेव आया, इस बार फिर हमें लगा सब कुछ थोड़ा खुल रहा है, कुछ करने की कोशिश करें क्या, और फिर सेकंड वेव आ गया। अब दोबारा मैंने अली से बात छेड़ी थी कि चलो अब फाइनली, आज फिर मैं न्यूज पढ़ के दंग हूँ कि केसेस आर ऑन द राइज अगेन। शायद वहीं मिले राहत, है ना, थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। हर साल हम एक एक शादी कर लेंगे अली, कभी साउथ इंडियन तरीके से, कभी बंगाली तरीके से, कभी कश्मीरी तरीके से, कभी राजस्थानी तरीके से। कम से कम इसी तरह पूरा देश हमारे साथ एक साथ रहेगा, चलता रहेगा, है ना, इसी बहाने। सही है, चलिए आप दोनों को ऑल द बेस्ट Spotify के शो के लिए, एंड लुकिंग फॉरवर्ड आप दोनों पर्दे पर भी हमें साथ दिखें। वी वांट टू सी योर रोमांस ऑन स्क्रीन एज वेल। And it's such a pleasure to always talk to you. Such a, you've been my favorite people, both of you. All the best, and looking forward to hear from you soon. Thank you so much. Thanks, Amit. Thank you. Goodbye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.